भारतीय स्वतंत्रता दिवस देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और विशेष रूप से विविध रंग आपको हम दिखा रहे हैं। The arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. अंतर सेना परिषद मंडल, राष्ट्र जलोड, सलामे, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है। लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं
जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले, शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के हैं, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे, और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी
समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा, तीन गुना तेज गति से काम करूंगा, तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विविध रंग आपको हम दिखा रहे हैं, जिलों की नगरी उदयपुर में ये रंग हम आपको दिखा रहे हैं, फतेह सागर की पाल से, जहाँ पर बोहरा समाज की ओर से ये राष्ट्रीय धुनों पर इन्होंने अपने बैंड बजाए हैं और एक एकता का संदेश ये दिया है कि हम सब भारतीय, चाहे वह किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारा जो धर्म है मूल रूप से वो भारतीय हैं, राष्ट्रीय हैं, और हम समाजवाद पर नहीं राष्ट्रवाद पर चलते हैं। और यही संदेश सभी ये मुस्लिम बोहरा समाज के जो जन हैं वो अपनी मधुर धुनों से देकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। बताएं किस रूप में आप ये संदेश दे रहे हैं? एक ही बात कहना चाहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, भारत माता की जय। आज भारत वर्ष के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बुरानी बैंड उदयपुर सैयद दाऊदी बोहरा समाज की ओर से फतेह सागर की पाल पर प्रस्तुति दी गई। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं और भविष्य में इसी तरह का हम प्रस्तुति देंगे और आप सभी का साथ चाहते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसी तरह भारत में हर्षोल्लास से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, यही कामना करते हैं। सैयदना साहब भी यही सबसे कामना करते हैं कि राष्ट्रवाद पर चले, समाजवाद पर नहीं, राष्ट्रवाद पर चलेंगे तो हमारा देश समाजवाद से भी ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जाएगा और राष्ट्रवाद भी ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। बताएं कैसा आनंद आया है आज? काफी अच्छा आनंद आया, बहुत मजा आया, काफी मजा आया। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो?
बहुत बहुत अच्छा लगा आज सर, जब सबने एक साथ देखा हमको, बहुत तालियां भी बजाई हमारे लिए और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। हाँ बताओ। बहुत ही अच्छा आनंद आया हमें और बहुत ही मजा आया हमें भी कार्य करके, सेवा करने का मौका। आप बताओ सर। हमें बहुत मजा आया बजा के, सबने हमें देखा और तारीफ की और। हाँ बताओ, क्या पैगाम है सैयदना साहब का आज? सैयदना साहब का पैगाम है कि जिस देश के अंदर रहते हो, जहाँ पे रहते हो, वहाँ की मिट्टी से प्यार करो, वहाँ के वतन से प्यार करो और देश के लिए, वो देश के लिए हमेशा खुशहाली की कामना करो। बताओ क्या कहना है? सैयदना साहब का कहना है और के हुब्बुल वतन मिनल ईमान, के जिस देश में रहो उसके वफादार बन के रहो और हम भारत के हमेशा वफादार बन के रहे। और यहाँ छोटे छोटे जो बालक आए हैं वो भी महाराणा प्रताप की धरती पर, उनके चेहरे पर ऐसा वीरता का भाव दिख रहा है, बताएं क्या कहना है आपका? भारत माता की जय। भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता का भाव जगा रहे हैं सब आनंद ठाट के साथ में, एक मधुर धुन आप जी बताएं। हम लोग सैयदना साहब के पैगाम, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो, इसी पैगाम के अंदर हम काम करते हैं। शिया दाऊदी बोहरा समाज हर जगह समाज की सेवा में, देश की, राष्ट्र की तरक्की के लिए हर वक्त सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसी के तहत हम भी काम करते हैं बुरहानी बैंड उदयपुर शिया दाऊदी बोहरा समाज से। हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं, आप समाज की हमेशा सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें। धन्यवाद। विश्व के कई देशों में अमन चैन नहीं बढ़ता जा रहा है, भारत और भारत के वासी सभी एक कामना कर रहे हैं कि विश्व में अमन चैन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे और कोई देश हो। क्या पैगाम आप देंगे? सभी को मिलाकर एक ही अखंड भारत बना देना चाहिए ताकि संसार में शांति हो जाए। वाह भाई वाह, जय हो जय हो। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसके विविध रंग हम आपको दिखा रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के ये हम हाथीपोल क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर विविध रूपों में
स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरवाना मॉल के यहाँ पर झंडारोहण हुआ है और हमारे खास मित्र हैं, बताएं किस रूप में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और क्या संदेश आपके द्वारा और आपके धर्मगुरु सैयदना साहब की ओर से ये दिया जा रहा है। जी नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम अरवाना मॉल के सभी व्यापारियों की तरफ से और हाथी मॉल संघ की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और भाई साहब, आप तिरंगे की तरफ एक बार आप थोड़ा लीजिए। ये मैं कहना चाहूँगा हमने भारतवासियों से, ये तिरंगा नहीं, ये हमारी इज्जत है। भले ही लोग इसको भेदभाव में करें, जाति धर्म में करें, लेकिन हम, ये हमारी इज्जत है, हमारी शान है। ये भारत देश हमारा है, हम लोग हमें इस पर गर्व है। और जिस हिसाब से जैसे हम रहते हैं, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, हम जब वजू करते हैं नमाज के पहले, तो इस तिरंगे को भी हम वही नमाजी करके फिर हम लोग इस तिरंगे को करने के पहले हम लोग वजू करके आते हैं और हम लोग इसको करते हैं। इतनी इज्जत जैसे नमाज में हम देते हैं, वैसे इस तिरंगे को भी दी जाती है। तो इसलिए आप सभी से बस यही है कि कोई भेदभाव नहीं रखे किसी भी चीज़ में, कोई भी जाति धर्म नहीं रखे। ये देश हमारा है और ये तिरंगा हमारा है। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम जिस हिसाब से तिरंगे में इतने रंग हैं, उसी तरह से इतने रंग हमारे भारत देश में हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब एक मिलकर एकत्र से रहें और हमेशा ऐसी खुशियाँ मनाते रहे और साथ मिलकर मनाते रहे। और सैयदना साहब की क्या भावना रहती है? सैयदना साहब तो हमें बस एक ही चीज़ कहते हैं कि ईमान आपका पूरा तभी होता है जब आप देश की मोहब्बत करते हैं। देश की मोहब्बत ही हमारा ईमान है। बस हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और हम लोग भोरे समाज के लोग हर कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में उनके बन के रहते हैं। उस देश से हम इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे आज हम लोग इस देश की, भारत देश की करते हैं। जय हो। स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी का सभी जश्न मना रहे हैं। सभी अपनी अपनी क्षेत्र में सेवाएँ दे रहे हैं, चाहे वह कोई सा भी विभाग हो। यहाँ पुलिस विभाग के सभी जवान हैं, उनमें भी देश के प्रति मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। पंडित जी को ना, माय नेम युगत, एंड आई केम फ्रॉम फ्रांस, एंड आई बीन इन इंडिया फॉर 4 weeks. Yes, and I see the, in the stadium the military, and there is a cultural program. Yes, with the music and. My name is Nicolas. I came from France, and show was beautiful. We stay one day more in Udaipur to see Independence Day at Udaipur. जय हिंद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस का महामहोत्सव जिलों की नगरी उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया। यहां पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झंडारोहण किया और सभी विशिष्ट अतिथि यहां पर सहभागी बने, चाहे जिला कलेक्टर हो, आईजी हो या संभागीय आयुक्त हो, पुलिस अधीक्षक हो या उप अधीक्षक हो या उप जिला कलेक्टर हो, सभी अधिकारी यहां पर आए और विशेष रूप से अपनी सहभागिता इस स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में दर्ज कराई। विशेष रूप से यहां पर जो सभी के चेहरों पर उत्साह का वातावरण झलक रहा था, वो एक स्वतंत्रता दिवस का दिन ही नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम का प्रतीक देखा जा रहा था। और विशेष यह आयोजन सभी के मन को उत्साहित करता है, उमंगित करता है और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है। हम भी संकल्प करें कि हमारे देश के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे देश का गौरव और बढ़े, हमारा भी गौरव बढ़े, हमारे समाज का गौरव बढ़े, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े और दुनिया में
भारत की जैसी संस्कृति है, भारत की जैसी विरासत हमारे को मिली हुई है पुरखों से, उस विरासत को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। जिलों की नगरी उदयपुर में क्या आयोजन हो रहा है इस महोत्सव में, और किस तरह से बच्चों में एक उल्लास का वातावरण बना हुआ है, और यहाँ पर आने वाले जो अतिथि हैं उन्होंने भी ऐसे कार्यक्रमों को बहुत ही सराहा है, और विशेष करके जो बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, अपना प्रदर्शन किया है, वो सराहनीय है। और देश के लिए जो जान छिड़कने वाले जो शहीद हैं उनके परिवारजन भी आए हैं यहाँ पर, और विशेष रूप से उनको स्वागत अभिनंदन देकर उनका मान बढ़ाया है। हम भी कुछ प्रेरणा ले, हम भी देश के लिए कुछ करें। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सभी यहाँ पर बच्चे आए हैं और अपनी अपनी वेशभूषा में भारत के विविध रंगों को एक रंग बना रहे हैं, और ये रंग राष्ट्र रंग हैं। हम सब समाज, जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर ये विशेष रूप से यहाँ विविध रूपों में सभी तैयार खड़े हैं। ये बच्चे, हजारों बच्चे सभी विविध रंगों में हैं, सभी देश के लिए कार्य कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो कुछ अभी तक उन्होंने सीखा है यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि हम कितने योग्य हैं और हम हमारे देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। आज हम नन्हे बालक हैं और ये हमारा एक सीमित दायरा है, लेकिन हम हमारी शिक्षा के बल पर, हम हमारे आत्मविश्वास के बल पर जिस तरह से, जिस रूप में भारत माता की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया हमारे प्रदर्शन को, हमारे कार्यों को, अच्छे कार्यों को देखेगी। और इन बच्चों में अपार उत्साह है और उमंग का वातावरण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या राष्ट्र भक्ति का जगाने वाला कोई भी महापर्व हो, सभी महापर्वों में, सभी उत्सवों में हम ऐसी भागीदारी करें कि पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे इस भागीदारी को देखे और हमारे जो मन में उमंग है, उत्साह का वातावरण है, वो किसी रूप में कम न दिखे। हमारे संस्कार जो हैं, हमारी संस्कृति हैं, वो हमें विशेष रूप से आलोकित करता है और उमंगित करता है इन महापर्वों में भागीदारी करने के लिए, और यही हमारे पुरखों की विरासत में मिली हुई देन है जिससे हम आज तक निभाते आ रहे हैं। विविध रूपों में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन हुए हैं और सभी के मन में एक अपार उत्साह का वातावरण दिख रहा है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो। और बहुत बधाई।
आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के विविध रंग हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आलिया सिखवाल हैं, पर्वतारोही, मात्र 2 वर्ष 7 माह की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। आर्या अपनी खूब आनंद से ये यात्रा पूरी की है और दादाजी, दादी जी और मम्मी जी के पास साथ में हैं और बड़ी मम्मी भी यहाँ पर सब आए हैं। बताएं कितनी खुशी हो रही है, क्या अचीवमेंट किया है? सर, ये आर्या ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उसके बाद में कंटिन्यू हुआ, इसका अवार्ड नेशनल अवार्ड भी आ गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है, वो भी रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ रहा है। और इसके बाद के अंदर में आज हमारे को ये तो सम्मानित किया गया है कलेक्टर साहब से, इसके लिए बहुत अचीव है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आर्या को ये प्रशस्ति पत्र मिला है और मात्र 2 वर्ष की उम्र में ये आर्या पर्वतारोही बनी है, कितनी खुशी हो रही है? आज मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी हो रही है। मेरी छोटी सी बच्ची ने इतना नाम रोशन किया है समाज में, इंडिया का नाम रोशन किया है, बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। बताओ कितनी खुशी हो रही है? मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैंने सारी चीजें उसको सिखाई, बोलना मैंने सिखाया, चलना उसको सिखाया, तभी वो इतना अच्छा कर पाया। अरे वाह, मैंने भी वही किया जो इसने। अरे वाह, बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ हमें, और हमें कलेक्टर साहब ने बोला भी है कि स्पेशली वो आर्य से मिलना भी चाह रहे हैं इस चीज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह ठीक है, आर्य हमारी फेमस हुई, आर्य ने मेहनत की इसके लिए। और कितनी कठिनाई आई वहाँ पे? जो प्रोसेस था उसके लिए हमको पहले प्रिपरेशन भी करनी पड़ी थी, जो हमें था उसके 5-6 महीने की हमने प्रैक्टिस की थी। इसके फादर पहले जा चुके थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा था कि वो चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। टफ तो था सर, मैं कहूँगी नहीं ईजी था, बट टफ था, पर हमने आर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा जॉब से चलने वाले किसी की कोई कमी नहीं हुई। बहुत बहुत खुशी है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी बेटी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दर्ज किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। जय हो। खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं जब कोई पुरस्कृत होता है, अपने क्षेत्र में काम करने के प्रति जागरूक रहता है। बताएं कितनी खुशी हो रही है? स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुक्रा चतुर्वेदी दविजन अकेडमी स्कूल से, मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं भारत स्काउट गाइड की सदस्य हूँ। एज ए गाइडर मुझे आज यहाँ पे पुरस्कार मिला है, तो मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जिनके सानिध्य में हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं, मैं 7 ईयर्स से इस भारत स्काउट गाइड से जुड़ी हुई हूँ और लगातार बच्चों को भी मैंने इसके साथ जोड़ा है। मेरे साथ कम से कम 60-70 गाइड्स हैं जो जुड़ी हुई हैं और निरंतर सेवाएं दे रही है। हर इलेक्शन में आप लोगों ने ड्यूटी दी है और हर इलेक्शन की रिपोर्ट मैं कलेक्टर सर को देती आई हूँ, क्योंकि मुझे मिलते थे वो किसी भी बूथ पे। क्या कहना? भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छे नागरिक को तैयार करके। हम देश की सीमा पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने देश के लिए ऐसे नागरिक को तैयार कर सकते हैं जो इस देश की सेवा करें। बताओ क्या कहना है आपका? बहुत ही शुभ दिन है आज, और हमारी बहन शिप्रा चतुर्वेदी को ये जो सम्मान मिला है हमारे राजस्थान राज्य भारत स्काउट के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। तो तहे दिल से पूरा फैमिली, पूरा स्काउट एंड गाइड फैमिली इनको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बताओ। मैं राकेश धवा, आज जिला प्रशासन द्वारा मुझे जिला स्तरीय सम्मान प्रदान किया है, मैं बहुत अत्यंत खुश हूँ और प्रशासन ने जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त करता हूँ। आज भारत 78 स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव जो वर्ष भर में मनाया जा रहा है, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। देश खुशहाल रहे, संपन्न रहे और शांति और अमन चैन बना रहे भारतवर्ष में। जी शुभकामना जय। आनंद आ रहा है और हमारे मित्र अरे शांतिलाल जी ये आत्मा की ज्वाला से हैं, लेकिन हर तरफ देश ही नहीं पूरी दुनिया की जो ज्वाला, एक नफरत की ज्वाला जो जल रही है उसको शांति में बुझाने के लिए ये शांतिलाल जी हैं। बताएं कितना आनंद आ रहा है आज। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये राष्ट्रीय पर्व सभी को, जिनको सम्मानित किया उन्हें बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता हूँ। आप सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और शुभकामनाएं मिलता है। सभी ने अपने अपने क्षेत्र विशेष में कुछ खास उपलब्धियां हासिल की है, आप सभी को पुनः पुनः बधाई शुभकामनाएं।
और अब आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं उस कार्यक्रम की ओर जिसका आप सभी को इंतजार रहता है और आज के समारोह का मुख्य आकर्षण लहराएगा तिरंगा। अब कितनी खुशी हो रही है आज, बहुत खुशी हो रही है कि प्रशासन ने हमें सम्मानित किया और एक बड़ा अचीवमेंट जो हमारे साथ है। हम ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद है कि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में हमारी टीम भाग ले और मेडल प्राप्त करे। इसी नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाने के लिए ये आदिवासी जो बच्चियां हैं इन्होंने अपना हुनर दिखाया है और पूरे देश की जो शान इन्होंने बढ़ाई है, बताओ क्या कहना है आपका, क्या परफॉर्मेंस रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाह रही हूँ और हमारा एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक रहा और आज हमें यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस में हमें सम्मानित किया गया। कौन सा गेम है और क्या क्या कहाँ पे गए थे आप? हाँ, ये लैक्रोस गेम में समग्र उज्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप हुआ, वहाँ पे हमने क्या बोलते सऊदी अरेबिया के साथ मैच हुआ जिसके साथ हमारा 9-11 का स्कोर रहा और हम रजत पदक जीते और ये बहुत जल्दी 2028 में ओलंपिक में है और हम सब भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बताओ कितनी खुशी हो रही है? तो बहुत ही खुशी का आलम यहाँ पर हर चेहरे पर दिख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब भी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि देश को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो ये पूरी टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं कृषि विभाग की, बताओ कितना आज खुशी का पल है जी? हम तो इस पल इस मौके पे इस भारत के सर्वस्व जो हमारे कृषक भाई है उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि आपने आज़ादी के 78 साल जितना देश को खाद्य में सुरक्षा दी है आगे भी ऐसे ही बनाए रखे अपना प्रोडक्शन और उत्पादकता फसलों को बढ़ाए रखे। प्रस्तुत है आप सभी के सम्मुख मुक बधेर अभिलाषा उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे। मैंने सभी से निवेदन किया है कि जो भी अंदर खड़े हुए हैं चाहे सभी खड़े हुए उनसे निवेदन है इसी कड़ी पे साल भी आप सभी पूरी टीम का सभी विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से। धूप है ज्यादा कम है छाया आखिर वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र की और IIM से हमारे साथ में शानू जी हैं, बताएं क्या भावना है आपकी प्रधानमंत्री जी को कि किस तरह से शिक्षा का क्षेत्र और भी आगे बढ़े जी। नमस्कार, मैं शानू लोढ़ा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IIM उदयपुर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के दिन हमें वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग मार्टिर होते हैं। ये जो आज हमें आज़ादी मिली है वो आज़ादी कहीं ना कहीं हमें उन जो जिन्होंने शहीद अपनी अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी देश के लिए, तो उसकी वजह से आज हम ये आज़ादी को सहन देख पा रहे हैं। बट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आज इस आज़ादी के बाद भी कहीं कई जगह पर दंगे होते हैं, रिलीजियस मैटर्स पर दंगे होते हैं। आज हम मणिपुर में लास्ट ईयर देखा हमने, आज भी हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं कि एक वसुधैव कुटुंब की जो एक हमारा लोगो है, एक स्लोगन है, उसको हम क्यों नहीं फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं शिक्षा के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ आप सब भी शिक्षित होइए और इन सब चीज़ों को समझिए कि शिक्षा ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। ये जो रिलीजियस की वजह से एक दूसरे को मारना काटना परेशान करना उन सब चीज़ों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा को केवल पढ़ाई तक ही सीमित न रखें, अपने संस्कारों में भी लाए और अपने देश को समाजवाद, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठाकर राष्ट्रवाद तक लाए और भारत को विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाए। हमारी बेटी हमारा गौरव होती है और किसी भी क्षेत्र में कोई भी बेटी अच्छा काम करे या किसी पायदान पर पहुँचे तो सबसे बड़ी खुशी उसके पिताजी को होती है और शानू के पिताजी हमारे साथ में हैं। क्या संदेश है आपका जी बताएं? मैं गजेंद्र लोढ़ा जी, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD जी। मैंने अभी क्या है कि अभी 78वें स्वाधीनता दिवस पर हम मेरी तरफ से
पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। साथ ही मैं यूँ कहना है कि मेरी डॉटर है शानू, उसने अभी IIM में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट पे है और उसने उसको बहुत अच्छा काम किया है। उसको इसलिए इस उपलक्ष्य में पिछले 10 सालों में सबसे अच्छे काम करने वालों में भी उसको IIM की तरफ से अभी इनाम दिया गया था और आज भी 15 अगस्त पर जिला कलेक्टर एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा इनको जिला स्तरीय सम्मान दिया गया है। इसके लिए मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। जय हो। ये मेरे पुत्र वधु है शिवराज चतुर्वेदी और स्काउट गाइड में इसने बहुत अच्छा काम किया है और विजन एकेडमिक में है और हमारे सारे परिवार का और सारे उदयपुर नगर का नाम रोशन किया है। इसको बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। और मुझे जो ये पुरस्कार मिला है मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मिला है और मैम सर जो मेरे स्कूल की मैम है प्रतिमा झामर, डॉक्टर प्रतिमा झामर मैम विजन एकेडमी से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। साथ में हमारे विजयलक्ष्मी मैम जो है भारत स्काउट गाइड की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सभी को जिन्होंने भी मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं और आगे और इसमें प्रोग्रेस करूँ। पूरा भारतीय रंग में रंगा हुआ ये हीरो है, बताओ कैसा आनंद आ रहा है? अच्छा आ रहा, देशभक्ति के लिए सबको प्यार और खुशियाँ मिलती है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत। जज्बा अगर देखना हो तो स्काउट में देखा जा सकता है और सभी स्काउटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए विविध रूपों में कई आयाम होते हैं। हमारे साथ में विजय लक्ष्मी जी हैं, किस रूप में सेवा का कार्य होता है और आज कितनी खुशी होती है स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे आयोजनों से। सभी उदयपुर शहरवासियों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भारत स्काउट गाइड है वह हर क्षेत्र में अपना सेवा का कार्य करता है। हमारे इसमें विषयों में भी हमने सेवा कार्य को ही महत्वता दी गई है, चाहे मेलों में सेवा हो या राष्ट्रीय पर्वों पर सेवा हो, समाज सेवा करना ही स्काउट गाइड का ध्येय है। हम निरंतर अपनी सेवा को बनाए रखेंगे और प्रशासन के साथ कार्य करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट। कितनी खुशी हो रही है आज? अरे बहुत अच्छा लग रहा है और जब अपना राष्ट्रीय इतना पावन पर्व होता है तो खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और जब आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो तो वो रोमांच और ज्यादा बढ़ जाता है और जब सबको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो अलग ही तरह का गर्व अनुभव होता है। जैसे स्काउट गाइड की बच्चियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही है यूनिफॉर्म में, ऐसे ही हर अपने अपने विभाग की अपने अपने क्षेत्र की यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं आज और राष्ट्रीय पर्व पर सभी एकजुटता से आ जाते हैं तो सबके लिए एक अलग ही तरह का उत्साह होता है और 77 सालों का ये जो सफर है वो तय किया है हमने। उदयपुर वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना है। आज का ये गौरव का दिन है हम सभी को और हम सभी का दायित्व जो है उसे भी हमें स्मरण रखना होगा। सिर्फ झंडा फहरा देना अपना मकसद नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा इसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, दैनिक जीवन में हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसका संदेश भी हमें देना होगा और हम सभी को आगे विकासशील भारत की ओर बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। बताओ गोपाल, हमारे देहात संवाददाता हैं और गोगुंदा में हर खबरों पर नज़र रखते हैं, बताओ आज कितनी खुशी हो रही है जिला स्तर पर पुरस्कार मिलने की? आदिवासी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से किसी पहली बार किसी पत्रकार को उदयपुर में सम्मानित किया गया है, सबसे पहले तो इसकी मुझे बहुत खुशी है और उसके बाद मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए काम करता हूँ और फर्स्ट इंडिया की तरफ से मुझे जो कार्य दिया गया उसके लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया, मुझे बहुत खुशी है। किसी का क्षेत्र वैसे ही सेवा का है और सेवा का दायरा और बढ़ जाता है कि जब मन में हमारे देश के प्रति अपार श्रद्धा हो, अपार लगाव हो और अपार रूप में खुशी का एक आलम लिए हम अपनी सेवा को पूरी करते हैं। आज इस उम्र में भी 90 से 95 साल की उम्र में ये पूरी तरह से एक युवा की भांति प्रेम शंकर जी श्रीमाली हैं। लेफ्टिनेंट बताएं किस रूप में आप सेवा कर देते हैं और कितना उत्साह आज भी आप में है और ये अभी तक बरकरार किस वजह से है? जी जय हिंद सर, मैं ऐसा एकता अनुशासन हाँ या ना इसके अलावा कुछ नहीं सीखा और इसी गांधी ग्राउंड में
मैंने गांधी जी से हाथ मिलाया सन 48 में, तब से ये गांधी ग्राउंड में साथ है और मेरी सेवाएं निरंतर चल रही है। जय हिंद, जय भारत, जय हो। बताओ कितनी खुशी होती है कि जब परिवार में ऐसे जो निर्देशन देने वाले हैं वो इस रूप में होते हैं। हमारे पिताश्री एक आदर्श हैं। हाँ। उनको देखकर हम देखते हैं कि इस उम्र में भी आज भी उनके वही एक्टिवनेस है और जो उसी उतनी फुर्ती हम में भी नहीं अभी तक। इतनी पिताश्री के जो आदर्शों पे हम चलेंगे। वाह, जय हो। तो ऐसे ही हम भी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी ही शक्ति दिखाएं और ऐसा ही कार्य करें जिससे हमारे परिवार को नहीं, हमारे समाज को नहीं, बल्कि पूरे देश को गौरव हो हमारे पर और देश आगे बढ़े। हमारे परम मित्र हैं और हर कार्यक्रम में, चाहे समाज का हो या प्रशासन का हो या विविध रूपों में सरकारी आयोजन हो, सभी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चौधरी साहब सोनलाल जी हमारे साथ में हैं। ये सेवाभावी हैं, समाज के ही नहीं पूरे हर समाज में ये दौड़ते रहते हैं, सेवा का जज्बा दिखाते रहते हैं और आज भी स्वतंत्रता दिवस पर आए हैं। बताओ क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि आज जो भी मैं जीवन में जो सफलता प्राप्त की है वो उसका श्रेय जाता है स्काउट को। मेरे स्काउट के बच्चों को देख के मैं दौड़ के आया और स्काउटिंग ने श्रीपाली साहब पूरा मेरा जीवन बदला। मैं एक मामूली लाइब्रेरियन के रूप में सीनियर सेकेंडरी पर नौकरी कर रहा था और आदरणीय सीईओ साहब सुरेंद्र पांडे, इन्होंने पता नहीं मेरे जैसे असंख्य लोगों का जीवन निर्माण किया है और मुझे सर एक मिट्टी से निकाल कर पूरी हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला है। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से चाइना बॉर्डर और अंतर्राष्ट्रीय से जम्बूरी के अंदर आपने भेजा मेरे को और जो कुछ सीखा हूँ सर मैं एक्टिंग स्कूल के माध्यम से वापस बच्चों को देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे और आज का कार्यक्रम देख के और आपका आशीर्वाद बना और स्काउट बालकों को कहना चाहता हूँ इस मंच में कि जो स्काउटिंग ज्वाइन की सर स्काउटिंग जी आपकी जानकारी में जीवन का निर्माण करता है। अगर सड़क पे हम लोग निकल रहे हैं 25 बच्चे निकल रहे हैं और अगर केले का छिलका पड़ा हुआ है तो 24 लड़के नहीं उठाएंगे, लेकिन सर स्काउट होगा बच्चा वो सर उस केले छिलके उठाएगा, कोई गिरे नहीं। ये सिखा दिया सेवा का जज्बा हर व्यक्ति में जगाना ही हमारा उद्देश्य है और पांडे जी जिस रूप में आज सेवा का जज्बा स्काउट्स के दिल में देखा जाता है, हर आदमी स्काउट से जुड़ना चाहता है। किस प्रकार से वो जुड़ सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किस प्रकार से वो स्काउट से अभी भी जुड़ सकता है, इसके लिए बताएं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, जिला प्रशासन के तत्वावधान में महाराणा भोपाल स्टेडियम के मुख्य समारोह में आज बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए और हमारे स्काउट्स और गाइड्स की एक एक टुकड़ी ने भाग लिया और बहुत मेहनत की और गाइड विभाग इसमें स्थान भी प्राप्त किया है, स्काउट ने भी मेहनत की। मैं इस मौके पर आम जन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बालकों को आप चरित्र, स्वास्थ्य, सेवा और कौशल, इन चार मूलभूत आधार स्तंभों पर स्थापित आज स्काउट गाइड्स का मेंबर बनाइएगा, जिसमें 3 से 5 साल, 5 से 10 साल और 10 से 18 और 15 से 25 वर्ष के बालक बालिकाएं, आयु वर्ग के जो युवा और युवतियां हैं जिनका आदर्श वाक्य मुस्कुराते रहो, कोशिश, तैयार और सेवा है, से जुड़े। ऐसी खुशियां सबको मिलती रहे। हम हमारा राष्ट्रीय महापर्व ऐसे ही धूमधाम से मनाते रहें।